बीते 24 घंटों से जारी भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हम कोलारस में इस वक्त मौजूद हैं और ये शिवपुरी का कोलारस गांव जो पड़ता है, इसमें आप देखिए किस तरीके से पानी जो है वो घुस चुका है निचली बस्तियों में। लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही है कि किस कदर हाहाकार मचा है पूरे मध्य प्रदेश में, खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग में। इस वक्त भारी बारिश के बाद 800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश 24 घंटों में हो गई है शिवपुरी और उसके आसपास के इलाकों में, और कोलारस का ये निचला इलाका पूरी तरीके से पानी की जद में आ चुका है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ था और उसके बीच भीषण बारिश जो है उसने पूरी तरीके से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, अशोकनगर, गुना, इन तमाम जगहों पर भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की मदद ली जा रही है, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं शिवपुरी में। और इस बीच ये तस्वीरें कोलारस की बता रही है कि किस तरीके से देखिए आपकी निचली बस्तियां जो है कोलारस की वो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में घिर चुकी हैं और ये पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। इतनी तेज हवाएं यहाँ पे चल रही है इसके साथ ही कि खड़े रह पाना भी मुश्किल है यहाँ पे। जैसे तैसे एक आड़ में इस वक्त खड़े होकर के हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं कोलारस की, लेकिन हालात और ज्यादा भयावह है। शिवपुरी के कई गांव इस वक्त पूरी तरीके से पानी से घिरे हुए हैं, जहां से लोगों को सिर्फ और सिर्फ नाव के जरिए या फिर वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए ही बचाकर निकाला जा रहा है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रविश पाल सिंह, कोलारस, शिवपुरी आज तक।